तो गाइस हम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे। फाइनली स्नान वगैरह हो चुका कंप्लीट। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीन बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो। और गाइस फिलहाल हम लोग आ चुका पानी में। और गाइस यहाँ देखिए गर्म पानी, आप लोग यहीं से गर्म होता है, यहाँ से देख सकते आप लोग पूरा ताप मार रहा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मॉर्निंग के समय है, सुबह तो बज रहे 8 बिकॉज अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं। कहाँ जा रहे, चलिए चलते सबसे पहले। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बीरभूम तरफ, एक मंदिर है जो कि बागेश्वर, आप लोग जानते होंगे जो हमारे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते होंगे, यहाँ लोकल से उन लोगों को पता ही होगा। तो अभी फिलहाल जाएंगे सब फैमिली के साथ, मजा आने वाला है, ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं सबसे पहले। और इंस्टा में अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, पोस्ट हो या रील हो। तो चलिए डायरेक्ट वहीं पर जाके आपको मिलते हैं, रास्ता का मजा आपको देते हैं। सभी हम लोग आए हैं बागेश्वर, चलिए दिखाते हैं आपको सबसे पहले। तो कार वहाँ पार्किंग कर दिया, चलिए दिखाते हैं। तभी यहाँ से जाएंगे इस वाला गेट से, चलिए चलते हैं। इसको देखिए ब्लॉग में आने के लिए बार बार ऐसे करता है, यहाँ आने के लिए 5 रुपये टिकट लेता है, उसके बाद फिर अंदर जाने देगा। तो यहाँ पर गर्म पानी है ना, इसलिए पैसा लेता है गर्म पानी का। तो वहाँ पर गर्म गर्म पानी निकलेगा, उसी से नहाएंगे, चलिए दिखाएंगे आपको, थोड़ा स्विमिंग पूल जैसा मजा लेंगे, चलिए दिखाते हैं आपको। मंदिर वगैरह भी है यहाँ से, देखिए गाइस टिकट ले रहा था, अंदर जाने दे रहा था, हम लोग टिकट दे दिए, अंदर भी आ गए। तो अभी यहाँ से चलेंगे, यहाँ फोटो वोटो शूट करेंगे, काफी मस्त लोकेशन है। हम लोग आए थे आज से लगभग 6 साल पहले आए थे, उस टाइम फोन वगैरह कुछ नहीं था। तो अभी फिलहाल देखते हैं। फाइनली गाइस आप लोग लोकेशन देख सकते हैं, काफी तगड़ा लोकेशन लग रहा है। और ऊपर से देखिए यहाँ पर क्लीन है पूरा, और भीड़ अभी उतना नहीं होने वाला है, बस जैसे जैसे टाइम बीतता है उस तरह से होते रहता है। गाइस महिला मतलब इधर लड़की लोग का, पुरुष मतलब इधर लड़का लोग का, बंगला में तो भी बता दिए इधर क्या और इधर से। और गाइस यहाँ पर नहाएंगे हम लोग, ये देखिए लोकेशन, उधर से गर्म पानी निकल रहा है, ये देखिए आप लोग वहाँ भी फोटो वगैरह शूट करेंगे। चलिए गाइस चलते हैं पहले उधर से पानी में, चलिए गाइस नहाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। और गाइस फिलहाल हम लोग आ चुके पानी में, और डर लग रहा है कि मोबाइल वाइल गिर ना जाए। A few moments later, फाइनली गाइस हम लोग स्नान वगैरह कर लिए, चलिए अब चलते हैं सबसे पहले और एक बार आपको दिखा देते हैं। गाइस यहाँ पर हो चुका हम लोग स्नान वगैरह करके, हो चुके फिट फाट, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, चलिए निकलते हैं। तो गाइस ये है बागेश्वर, जैसे कि आप लोग ने देखे कि हम लोग स्नान वगैरह कर लिए। और गाइस स्नान वगैरह तो सब ठीक ठाक हुआ, बट अब निकलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म पानी था, इसलिए क्योंकि जो हम लोग पानी में उतरे ना, उतरने के बाद पूरा एकदम शरीर है वो मतलब पूरा गर्म लगने लगा, इसलिए ज़्यादा देर हम लोग रहे नहीं क्योंकि आदत है नहीं, इसलिए फिलहाल ऊपर आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग यहाँ पर स्नान कर रहे थे, फाइनली स्नान वगैरह हो चुका कंप्लीट। और इधर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सीन बना हुआ है, यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह क्लिक करा सकते हो, फिर फोटो वगैरह लेंगे बाद में, अभी तो फिलहाल घूरते हैं सबसे पहले। और गाइस यहाँ देखिए गर्म पानी, आप लोग यहीं से गर्म होता है, यहाँ से देख सकते आप लोग पूरा ताप मार रहा है, और धुआं भी निकल रहा है जो कि कैमरे में समझ नहीं आ रहा, वो देखिए आ रहा है, इधर देखिए धुआं जो उठ रहा है गर्म के ताप से, वहाँ पर गर्म पानी उठता है, उसके बाद फिर यहाँ से फिर उस जगह पे जाता है जहाँ पर हम लोग स्नान किए थे। फाइनली गाइस मम्मी लोग स्नान करके आ चुकी है, चलिए चलते हैं सबसे पहले, यहाँ से टीका लेंगे सबसे पहले। गाइस हम लोग लगा लिए टीका, कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, हर हर महादेव। यहाँ डिस्कशन चल रहा है, हंस रहा है किस तरह से, चलिए देख लेते हैं सपना। तो चलिए निकलते हैं सबसे पहले, अभी हम लोग जाएंगे मंदिर पूजा वगैरह करने के लिए। तो सबको आ चुका रेडी, हेलो, चलिए चलते वहाँ से निकलेंगे सामने। यही वाला मेन है जो सबसे गर्म करता है, हीट करता पानी को, वो भी कारेंट से, देख सकते आप लोग कारेंट से ही होता है, ऑटोमेटिक पागल है, ऑटोमेटिक होगा, कारेंट से ही होता है। देख ऊपर से देख कैसे बुलबुली दे रहा, जूम नहीं हो रहा, मैंने फोकस नहीं ले रहा। यहाँ फोटो वगैरह आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो मंदिर है उसी का फोटो है, यहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है। और यहाँ से प्रसादी वगैरह लेने के लिए, यहाँ से प्रसादी ले ली हम लोग, मम्मी लोग भी ले ली, और यहाँ से ले रहे माला, चलिए चलेंगे उधर पंडित जी है, ये देखिए प्रसादी यहाँ पर है।
तो गाइस अभी चलेंगे सबसे पहले मंदिर, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर चप्पल वगैरह रख देते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे ऊपर, प्रसादी हम लोग लेनी है सबसे पहले। तो गाइस यहाँ है मंदिर, आप लोग देख सकते हैं, तो अभी अंदर अंदर ही जाएंगे, पूरा दिखाएंगे, चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए माँ दुर्गा का भी मंदिर है और भोलेनाथ का भी मंदिर है, चलिए चलते हैं सबसे पहले इधर से। तो इधर अभी हम लोग लाइन में, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, तो चलिए जाएंगे अंदर और दिखाएंगे। और गाइस इधर देखिए भीड़, अंदर जाएंगे सबसे पहले। पूजा हम लोग कर लिए हैं सबसे पहले, अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो पूजा वगैरह हो चुका कंप्लीट, जैसा हुआ वैसा दिखाएं, क्योंकि कैमरा अलाउ नहीं था, अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। तो गाइस वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल था, तो भी हम आपको दिखाएं जैसा हुआ वैसा दिखाएं। तो चलिए जितना हुआ आप लोग को दिखाएं, इसलिए आप लोग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। और इस वाले मंदिर पर चलते, चलिए और गाइस यही है पंडित जी जो कि अभी प्रसाद वगैरह देंगे। तो यहाँ से अभी हम लोग प्रसाद ले रहे हैं, जो पूजा हो चुका, अब प्रसाद यहाँ से लेंगे, उसके बाद फिर और भी चलेंगे, चलिए दिखाएंगे। गाइस ये है पूरा बकेश्वर का जितना दुकान वगैरह है, और भी है बाहर, बट ये मंदिर के अंदर पे पड़ता है, जो पूजा का सामान वामान मिलता है इस कारण से। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पर पैसा खुचड़ा कराने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप आओगे तो सबसे पहले पैसा खुचड़ा लेके आना, ठीक है, यहाँ पर बहुत दिक्कत होता है। यहाँ से निकलते सबसे पहले, टाइम यहाँ पर हो चुका 12। तो अभी हम लोग ये वाला लिए मौली सूता, ये देखिए हाथ में बांधने के लिए हम लोग ले लिए सबसे पहले, पांच तो लिए, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ देखिए बजरंग वाली भी है। तो गाइस ऐसा वाला एक हम लोग ले लिए, क्या और गाइस ये देखिए ऐसा वाला एलबी से ज्यादा भी पहना है, अच्छा लग रहा है। और गाइस यहाँ देखिए भोले बाबा है और इधर देखिए महाकाल। तो चलिए गाइस मंदिर से फाइनली निकल चुके हैं हम लोग, और अब चलते हैं सबसे पहले कुछ नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। और गाइस ये वाला पेन है, दिखाते हैं सबसे पहले, है ना, इधर सुन सुन, थोड़ा कैमरा पकड़ इधर देखा, इधर नीचे देखा, इधर कैमरा में देखा, ये देखिए गाइस ये है पेन, सबसे पहले इस तरह से हम लोग देख सकते हैं, सब लोग यहाँ पर रख देते हैं, यही था ना। चलिए गाइस बाहर निकलते हैं, सबसे बोरे बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर खरीद ले रहे, कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर, इस तरह से ही हो रहा है। ये वाला होटल पे हम लोग नाश्ता किए थे, और इधर चल जाता है शमशान का रास्ता, और इधर भी मंदिर वगैरह है, तो यहाँ मम्मी लोग कुछ ले रही है, चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं गाड़ी के पास, गाड़ी लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं, और हो सके तो अब डायरेक्ट घर पे ही जाके मिलेंगे आपसे, ठीक है। वहाँ पर गाड़ी रखा हुआ है, तो चलिए गाड़ी पे बैठते हैं। A few moments later. तो गाइस अभी हम लोग जा रहे, तो रास्ते में मिल गया मामा भगना पहाड़, आपको पता होगा। तो फिर अभी हम लोग आ गए घूमने के लिए, और ऑलरेडी दो वीडियो है, इसलिए वीडियो उतना नहीं बनाएंगे, स्टार्टिंग होता आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी मेरा दो वीडियो पड़ा हुआ है मेरा ब्लॉग में, मतलब ब्लॉग चैनल पर दो वीडियो ब्लॉग में है, तो आप लोग वहाँ से देख लेना, तो भी चलिए दिखाई देते हैं, लंबा हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ मम्मी लोग नहीं आई थी कभी, इसलिए आज आ गई घूमने के लिए, वैसे हम लोग आए दो तीन बार। और गाइस इधर भी टिकट लगता है 10 रुपये करके, जो कि ये पार्क है, ठीक है। ये देखिए भोलेनाथ का दर्शन आप लोग कर लीजिए, और नीचे देखिए पानी है। और गाइस इधर देखिए झूला वगैरह, काफ़ी मज़ा आएगा इसमें, देखिए चढ़ने वाला है, चढ़ सकते हैं हम लोग भी, या झूला खाली है, सबसे पहले झूला पे जाएंगे, हम बहुत दिन से गए नहीं। और गाइस इधर मम्मी लोग भी झूला झूलने लगी है, मम्मी है उधर, बड़ी मम्मी है उधर, भैया है, सिस्टर है। तो गाइस झूला देख के सबको एक्साइटेड अंदर से जाग गया इस कारण से। गाइस चलिए चलते सबसे पहले, और आपको दिखाते हैं दूसरा लोकेशन, वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा सीन वगैरह है। गाइस उधर मम्मी लोग झूला में है, और इधर से हम लोग जाएंगे नीचे। अरे बाप रे बाप, पेंट खराब हो जाएगा। उधर देखिए पाइप वाला है,
सो गाइस देख सकते हैं इसको, पूरा पागल हो गया खुशी से। बाबा ये देखो, इधर हम लोग घूम रहे हैं, काफी मजा आ रहा है। इसको देखिए, इसको बच्चा वाला में हम लोग भी झूल रहे हैं। वहां भी फोटो हम लोग ले लिए भोलेनाथ के पास, और अब चलते हैं सबसे पहले मंदिर की ओर, मंदिर में घूर लेंगे, उसके बाद फिर घर चल जाएंगे। गाइस ये वाला मंदिर में ना फोटो मतलब अलाउड नहीं है, मतलब फोटो अंदर क्लिक करना मना, बट एक बार हम चुपके चुपके मतलब कर लिए थे, बट अभी कैमरा बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए गाइस आप लोग तो ये मंदिर देखे होंगे, जो कि हम आपको फिर से दिखा दे रहे दोबारा, चलिए चलते हैं। गाइस ये वाला मंदिर है, चलिए यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले हम लोग पहाड़ की ओर, पहाड़ पे चढ़ेंगे। गाइस ये देखिए यहाँ पर नीचे ये लोग, और ये देखे मंदिर, हम देखे कहाँ आ चुके ऊपर में। गाइस अभी हम लोग ऊपर आ चुके पूरा टॉप पे, और उधर भी टॉप है, चलिए। तो उधर मंदिर है, इधर क्या पता क्या है, इधर देख के आए क्या है, अरे इधर भी कुछ है, इधर रास्ता है शायद, रुक तो इधर से देखते हैं। तो ये देखिए हमारा व्यूअर का मौसी, क्या बोला तूने, इवला ही लास्ट है, ऊपर मंदिर है, चलो चलते हैं। इधर से सीढ़ी है पूरा, और इधर देखिए बजरंगबली, चलिए चलते हैं सबसे पहले ऊपर। और गाइस ये मामा ये भगना, यही दोनों मेन पत्थर है जो कि भगवान इसी पे है। तो चलिए दिखाते हैं आपको मंदिर पे, और इधर देखिए काली माँ, इधर देख सकते हैं आप लोग माँ काली। और गाइस ये देखिए नीचे कितना गड्ढा है, ये देखिए पूरा दिख रहा है ऊपर का व्यू, ये गोटा दुबराजपुर, देखिए घर सब यहाँ दो तल्ला घर है, बट सब नीचे है, दूर तक दिख रहा है पूरा, दूर दूर तक। और इधर देखिए पहाड़, चलिए गाइस फाइनली आपको दिखा दिए। तो आज की जो ब्लॉग था, तो मतलब जो बागेश्वर हम लोग गए थे वहाँ पर पूजा वगैरह कर लिए, और मामा भगना भी घूम लिए, तो ब्लॉग थोड़ा लंबा था। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, आप लोग लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आप लोग शेयर करना, उसके बाद और भी इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा गैपिंग चल रहा था, क्योंकि काम भी और सारा देखना पड़ता है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद है, आप लोग लाइक कर देना, एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।